देखो जी, मैं 1999 के उत्थे मैं बाव्या का डेरा वो जे एंड के है और कीड़ी जड़ा वो पंजाब च है, जिहड़ी कीड़ी पंजाब वाली है उहदे विच वो मेरी जमीन पैंदी है। तो उत्थे बाबे पीर की जगह है, तो बाबे पीर की जगह ती मैनू अज हो गया 25-26 साल। वार्षिक सिंध मेला भी कराना ते एक सभ्याचार मेला भी उत्थे कराना, ते मैं अपने वालों सारे ही इलाका निवासियों नूं सदा देना चाहना, सारे तुसी दिन ऐतवार ते तरीक 27 अक्टूबर सारे लोगों नूं मैं कहना चाहना वी तुसी वड़ चढ़ के हिस्सा लेना है और मेले की रौनक वधानी है, जिहदे विच साडे मुख्य तिथि, वैसे तो सारे मुख्य तिथि ने, फिर भी जिहड़े साडे नेतागण आणे है जिहदे विच सरदार प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े पंजाब दे अपोजिशन दे लीडर मेरे वड्डे भरा उन्हां आणा, और मेरे वड्डे भरा जिहड़े साडे पार्लीमेंट हल्के दे सुखजिंदर सिंह रंधावा जी जिहड़े साडे MP ने उन्हां आणा, और साडे मेरे भरा सुखपाल खहरा जी वह भी आणगे, मेरी इत्थे नाल ही भरजाई दीनानगर तो अरना चौरी जी वह भी आणगे, फिर J&K दे विचों मेरे वड्डे भरा चौधरी लाल सिंह जी उन्हें भी आना, सारे डिस्ट्रिक्ट और दूरों दूरों सब लोग उत्थे आ रहे हैं, जिदे विच गायकार गुरलेज अख्तर जी आ रहे हैं और उहदे तो बाद कनवर गरेवाल जी आ रहे हैं। तो सारे लोगों अगर मेरी बेनती है भी तुसी सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और 28 तरीक नूं सिंझ मेला जिहड़ा वो अगले दिन कराना, फिर सिंझ मेले दे विच भी सारे आके भलवान भी लाके देण और सारे आके रौनक वधाण अपने अपने जोहर दसन, तो मेले की रौनक वधाण। मैं फिर सारे नूं अपील करदा जय हिंद। देखो जिहड़ा मेला कराना, तो मेले तो बाद पहले मैं सभ्याचार मेला कराना, उस तो बाद फिर मैं सिंझ कराना। सिंझ कराने का मीनिंग यह है भी दूर दूर तो भलवान वगैरह आते हैं, तो भलवानी उ बंद कर सकते जिहड़े बंद ताकत जिन्हें बंद ने अपना शरीर सांभेदा, तो शरीर उ बंद सामभद जे लोग गलत नशे नहीं करते, अपने शरीर में जिहड़ी चीज़ अच्छी लगती वह खाते हैं। तो मैं सारे नौजवानों को अपील करता, अज हालात देश और सूबे के खराब जा रहे हैं, बच्चे जिहड़े वह नशे वाले पास जा रहे हैं, तो मैं उन्होंने सारे ने गल करना भी अगर जिंदगी बहुत छोटी है, अगर ये जिंदगी अच्छे तरीके बतीत करनी है तो फिर सानू सारे अपना शरीर सामभना पेगा, अच्छी चीज़ा खाओ, दुध खाओ, घ्यो खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, जिदा सेहत ठीक रहती है वर्जिश पूरी करो। जे बंदे की सेहत ठीक है तो समझ लो उसका दिमाग भी ठीक है, अगर दिमाग ठीक चलता है तो समझ लो पढ़ाई भी करेगा, अगर पढ़ाई करता है तो नौकरी भी करेगा। ये ना सारी चीज़ों के करण दे एक गल मैं लास्ट तो जरूर कहूँगा, भगवान राम ने 9 नराते 10वां दशहरा वो पूरी लीला करके दसी है, छोटे बच्चों तो लैके बजुर्ग तक सारे सीखने मिले है। उस मैं ये देखिया जिहड़े जिहड़े लोग अपने माँ प्यो की सेवा करते हैं हमेशा वो पार सारे लंघते, माँ प्यो का आशीर्वाद होगा तो समझ लो भगवान राम भी खुश है, बाबा नानक भी खुश है, सारे गुरु पैगंबर सारे खुश है। इस करके अपने माँ प्यो की सेवा जिहड़ी है वो अति जरूरी है, तो मैं सारे अगर बेनती करता भी अपने अपने माँ प्यो की सेवा भी जरूर करो। बहुत बहुत सारे का धन्यवाद, जय।